तो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैंने मंगाया बहुत ही बड़ा वाला ऑर्डर पार्सल आया हुआ है, तो आप चेक कीजिए मैंने क्या मंगाया है। हस्बैंड ने किया अनबॉक्सिंग, तो ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है, इंजॉय कीजिए। तो जैसे कि मेरे अभी प्रॉपर ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे, अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह आ रहे थे मेरे चैनल पर, तो जैसे कि मेरी अभी 2-3 दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थे, इसलिए मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं किए। मैंने जितने भी किए थोड़े थोड़े क्लिप वगैरह किए। यहाँ पे मैंने मंथली जैसे ग्रोसरी मंगाई हुई थी फ्लिपकार्ट से, वो आ गई थी नाइट में 10 बजे आई हुई थी। तो तीसरे दिन ऑर्डर आता है ग्रोसरी का, तो टाइम लगता है, बट मंथली का मैंने मंगा लिया है। तो लगभग 21 या 23 ऐसी कुछ आइटम थे ऑर्डर। तो जैसे कि फिर मिलूँगी किचन में, जैसे किचन में मैं बना रही थी नाइट वाला खाना, और तबीयत हल्की हल्की ठीक हो गई थी। दवाई वगैरह डॉक्टर ने को कॉल पर्सनल किया हुआ था, तो उन्होंने दवाई वगैरह मुझे दे दी थी। मुझे क्या प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट अगर करोगे तो मैं उसका व्लॉग बनाऊँगी, देखती हूँ फिर किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी, इसमें मन हुआ तो इसमें कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी घी के पराँठे, क्योंकि हस्बैंड खाते हैं घी के पराँठे, तो घी के पराँठे यहाँ पर मैं बना रही थी। और उसके साथ जैसे कि साइड रखी हुई थी कद्दू की सब्ज़ी, और अनन्या के लिए मैंने शायद आलू वगैरह बनाए हुए थे, तो आपको आगे मिलेगा ब्लॉग में। तो देखिए मैंने लंच में सॉरी डिनर में क्या बनाया हुआ है। तो मैंने एक और सब्ज़ी बनाई हुई थी करेला की सब्ज़ी, बट मैंने अभी इनको फ्राई नहीं किया हुआ है, उबाल के रख दिए थे मैंने फ्रिज में, नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में फ्राई किए हुए थे। तो यहाँ पे जैसे परमा आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी, और दही रखा हुआ था, और मैंने आलू भी फ्राई किए हुए हैं अनन्या को जो पसंद है, पराठे अचार है। तो ये था सिंपल वाला पराठे थे, सिंपल वाला ये नाइट का डिनर का खाना। फिर मिलूँगी जैसे कि दोपहर में, और आ गया था मेरे यहाँ पे ऑर्डर जो मैंने किया हुआ था, और इसमें क्या आया ये आपको आगे मिलेगा ब्लॉग में, और आप लोग देखिए अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है तो अनबॉक्सिंग बाबा जी करेंगे। तो अनबॉक्सिंग यही करेंगे। तो चलिए मैंने मंगाया कूलर मंगाया, और कूलर का फुल रिव्यू मिलेगा आपको, क्योंकि आपने फ़ोटो वगैरह उसमें इमेज वगैरह बनी है तो देख के समझ लिया होगा। तो फिर आ जाते हैं मेरे यहाँ, उसी टाइम बाबा आ गए थे, तो वो आशीर्वाद देते चले गए हैं। और जा रही हूँ मैं वो अनन्या को पिक करने स्कूल से, और धूप बहुत तेज़ी से है, बहुत चटक धूप है, और मैंने ले लिया छाता, क्योंकि छाता लगा के जाऊँगी। तो आज ही उसका स्कूल का लास्ट डे है, और फिर उसके हो जाएंगी छुट्टियां, फिर स्कूल ओपन होगा, रीओपन होगा 7 जुलाई में, तो मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली अब आ जाते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, और इंतजार होता है ख़त्म। और सुबह से आ रखा था ये ऑर्डर, आए हैं हस्बैंड मेरे शाम को ऑफिस से, तो फाइनली वो कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, और रिव्यू वगैरह भी मिलेगा आपको फुल, और जैसे कि अनबॉक्सिंग के साथ में क्या क्या निकलता है वो आपको, कूलर की अनबॉक्सिंग होने वाली है, और एयर कंडीशनर वाला कूलर है ये, और उसके साथ जैसे कि आए हुए हैं 4 राउंड वाले जो गोल वाले होते हैं पहिया, जिसको देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो निकलते हैं इस 2 बॉक्स में है, तो उन्होंने रख दिया। उसके साथ में जैसे कि ये है देसी वाला आइडिया जुगाड़, तो जैसे कि नीचे ऊपर से अनबॉक्सिंग हो गया और नीचे से, और जैसे कि बॉक्स हो रखा है काफ़ी बड़ा, तो उस हिसाब से जैसे कि एयर कूलर है, इस पे लिखा हुआ है एयर कूलर है ना, तो एयर कूलर है, जिस तरह से ये छपा हुआ है फ़ोटो इमेज है उसी तरह से निकलता है या नहीं वो आप लोग देखिए, रिजल्ट आएगा सामने। क्योंकि मैंने ये चूज़ किया था वाइट कलर का, वाइट और ब्लैक का है, और इसमें फीचर वगैरह जैसे कि आइस क्यूब भी रख सकते हैं ऊपर की तरफ है स्पेस, वो आपको अभी जब अनबॉक्सिंग होगा तो आपको शो हो जाएगा फाइनली, जैसे कि हो गया है अनबॉक्सिंग, और जैसे कि ऊपर जो प्लेट आपको शो हो रही होगी
आई होप इस पे इसकी जो छत पर प्लेट शो हो रही होगी यहाँ पे रख जाती है इसकी आइस क्यूब जो कि होती है बर्फ़ और भी अच्छी कूलिंग ठंडी हवा देता है। तो जैसे कि एक मेरे बेडरूम में एसी लगा हुआ है एलजी का, तो सेकंड रूम के लिए मैंने कूलर को बाय किया क्योंकि कभी कभार ना कूलर की हवा भी अच्छी लगती है, एसी की हवा भी, एसी की बात अलग होती है और कभी कभार जो कूलर की हवा लगती है उसकी बात अलग होती है। तो मुझे कूलर की हवा भी अच्छी लगती है इसलिए मैंने परचेज किया हुआ था। हाँ, और इसकी साइड विंडो की बात करें जो कि बहुत ही अच्छी है, मतलब जैसे कि लगाने में ओपन करने में बहुत ही अच्छी है इसकी। और जैसे कि इसकी जो शेयरिंग जैसे कि कूलर की जो गोल गोल राउंड होता है वो भी है, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर हैं। और जैसे कि सामने फ्रंट पे तीन बटन लगे हुए हैं जो कि मतलब जैसे कि सही लग रहा है, चला के भी फाइनली हो जाता है अनबॉक्सिंग। उसके बाद जैसे कि अब कर रहे हैं वो ओपन भी हो गया, चला भी रहे हैं। तो कूलर की हवा घूमने गई है मार्केट, ठंडी हाँ मार्केट गई है। हवा तो यहाँ तक आ रही है, बढ़िया आ रही है। तो गाइस जैसे कि मेरी ना नाइट में हो गई थी तबीयत ज़्यादा ख़राब और मुझे हो गई थी, जैसे कि क्या हो गई थी मैं बताऊँगी आपको। देखेगी जैसे कि मुझे लगभग 4 बजे के आसपास मुझे हो गई थी पेट में दर्द और बहुत ही भयंकर वाला दर्द हुआ था। मैंने व्लॉग वगैरह नहीं शूट किया क्योंकि कंडीशन मेरी फ़ोन चलाने की बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही कैमरा पकड़ने की थी। और मुझे जैसे कि एसिडिटी गैस वगैरह बन गई थी और मैंने जैसे कि ऐसा क्या खा लिया था, खाया तो ज़्यादा कुछ भी नहीं था बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे कि गैस वगैरह पेट में इतना भयंकर वाला मरोड़ जिसको बोलते हैं यूपी में, तो हमारी तरफ तो मरोड़ बोलते हैं, मरोड़ का पेट में 8-10 या मरोड़ वाला दर्द, तो वही सब हो रहा था। और वॉमिट हुई थी 3 से 4-5 और फिर उसके बाद होने लगे थे लूज मोशन। तो वॉमिट तो जैसे 4 बजे हुई थी और 3-4 बार हुई थी और फिर हस्बैंड ने किया कि साफ की थी वॉमिट वगैरह, बाथरूम में मैं पहुँच ही नहीं पाई थी और पेट में इतना दर्द हो रहा था बहुत भयंकर वाला दर्द। और उसके नेक्स्ट डे तो फिर मॉर्निंग में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर हस्बैंड ने डॉक्टर ने को कॉल किया पर्सनल और उन्होंने दवाई वगैरह जो लिखी हुई थी और जैसे कि दवाई वगैरह फ़ोन पे बता दी थी, ये वाली आप मेडिसिन वगैरह ले लो और आराम मिल जाएगा, ORS का घोल वगैरह पीने के लिए बोल दिया था। और 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद, क्योंकि 2 दिन मैंने खाना पीना बना ही नहीं था, हल्का खाना खाया था बिल्कुल लाइट, जैसे कि खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ ये सब मैंने बनाया हुआ था। और तो इसलिए मेरे ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे। तो अब कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग वगैरह लाऊं और अनबॉक्सिंग वीडियो भी मेरे जैसे कि 1-2 दिन मिसिंग हो गए थे, तो अब प्रॉपर आएंगे वीडियो वगैरह। तो अब तो मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ, हैप्पी भी हूँ। तो बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हाँ कूलर को लेकर कुछ कह रही हो तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय।